हम मेरी उम्र लगभग मैं 50 के करीब होने जा रहा हूँ। अगर यहाँ पर किसी ने काम किया है तो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब, क्योंकि उन्हीं के दौर में जो यहाँ पर कुछ बना है वो उन्हीं की बदौलत है। मेरी तरफ से आदाब और सलाम। इस मीटिंग का यहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज इसलिए की क्योंकि जो रिसेंटली हमारे नए आसिफ बैरियत चुने गए हैं उन सबको पार्टी की तरफ से मुबारकबाद दें और साथ ही साथ तमाम लोगों से एक वादा लेना चाहता हूं, जितने भी आसिफ बैरियत हैं, कि हम लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। आप वादा करते हैं? हाथ उठा के आप वादा करते हैं? वादा करते हैं। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। मकसद इस मीटिंग का यही है कि आजाद साहब आप सब से खुद मुखातिब होंगे इसी मई से। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, पीएपी जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। भद्रवाह म्युनिसिपैलिटी लिमिट के जो बाशऊर लोग आए हैं इनके साथ हमने यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्कद की है। टोटल यूथ है और कुछ सीनियर सिटीजन्स भी हैं। आप सर, आपसे गुजारिश है कि आप खुद इनसे मुखातिब हों। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मेरी बात करने के बाद आप सब खड़े होकर आज डॉक्टर मुमताज साहिबा की जो प्रिंसिपल थी बॉडी उनकी डेथ हुई है उसके लिए दो मिनट की साइलेंस रखी और उसके बाद भी और बहुत सारे बुजुर्ग मनोभाव में इस दुनिया से चले गए हैं जो उनके लिए पर हम मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे साथियों को जिसमें हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है जावेद साहब है सब गोनी साहब और हमारे साथी दूसरे सीनियर आदमी गाई साहब और वगैरह समझिए इन्होंने मिलकर भदवा को दोबारा खड़ा किया है। भदवा हमेशा पहले कमजोर रहा तो हमारा हमेशा भदवा के लोगों ने हमें वोट दिया और जब मैं कांग्रेस था मैं था मंत्री और कांग्रेस के बाहर भी उनका सपोर्ट मिला सभी मुसलमानों का हिंदू भाई का राजपूत रहवन शुरू का सब और ये जब से पार्टी मैंने बनाई इसमें तो हमें भदरवा के लोगों को पूछना ही नहीं चाहिए क्योंकि भदरवा के लोग मुझसे दस कम होने चाहिए। दूसरी पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो चाहे एनसी हो कांग्रेस हो कोई भी दूसरी पार्टी वहां के जो दूसरी पार्टियां है वो तो लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि इन तरह से मुश्किल से एमएलए बने और अगर एमएलए बने तो सरकार में जाने का सवाल भी नहीं होता। मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो सरकार बनाने की और चीफ मिनिस्टर बनाने की और जो चीफ मिनिस्टर जिंदाबाद आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। दूसरे पार्टी के साथी तो कहते हैं कि कोई चीफ मिनिस्टर और बनेगा तो स्वयं एमएलए होंगे। एमएलए हमने हजारों देखे हैं तो हिंदुस्तान में कोई पूछता नहीं हमें तो मुझे तो सरकार बनानी है और चीफ मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए तो हर भदवा के भदवा का अंशुलसी के डिस्ट्रिक्ट जोड़ा के लोगों को मेहनत करना है क्योंकि जब मैं सेम था बहुत थोड़े अर्से के लिए ढाई साल मैंने कोई भेदभाव नहीं किया चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो शहर का हो देहात का हो शहर भदवा शहर
साहब गए थे, इस दौरान कमजोर पड़ा है जिससे मैं उनसे देखा तो मैंने इतनी हार्ड जुबानी के अगर उनको संभाल के रखा होता बाकी गवर्नमेंटों ने मेरे बाद आज 5-6 लाख रोजी का और आज हैदराबाद का मशहूर दुकानदार घोड़े चलाने वाला बाकी इंतजाम करना था होटल आसमान को छूते। लेकिन मैं जब तक से वहाँ अभी तक मैंने दिलचस्पी ली और वो तमाम जो टूरिज्म से रिलेटेड चीजें थी वो चलती रही मेरे पास खत्म हो। इसी तरह से आज वो देखिए शहर के अंदर हॉस्पिटल ने इतना साल के अंदर असरदार साल के अंदर आपके शहर में अभी भी आपको मीटिंगें करनी होती है कभी होटल में कभी खाना 1000 लोगों के लिए वहाँ जगह बनाई बहुत बड़ा हॉल जिसमें शादियाँ होती है इतना बिजी होता है कि हम मुझे भी मीटिंग करने के लिए जगह टाइम नहीं मिलता है। कौन सी जगह थी मैंने भदवा में बने और चंबा के लिए रोड इतनी बेहतरीन कोई रोड नहीं अपने शाह टाइम में रोड बनाए लेकिन चूंकि अच्छा यूनिवर्सिटी बनाई यूनिवर्सिटी मेरे बजट में सके बढ़िया मैंने रखा और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति मेरे ख्याल में 75 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहली दफा आया मेरे मुल्क में यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन करने के लिए जाइए। देखिए गुली गोड्डा वगैरह वो जगह में देखिए कोई ऐसी जगह नहीं है गाँव के लिए तो शहर की बात है गाँव के इलाके में चाहे मालवा से लेकर घोड़ा जाए तो दाएं तरफ या बाएं तरफ देखिए तो हर गांव में सड़क पहुंचाए अलेसा के हर गांव में जिंदा डोडा के हर शहर में चाहे रामबन का जिला बनाया तो डिस्ट्रिक्ट डोडा के किसी बानहाल से लेकर और मलेश तो किसी से चर्चा तक किसी को ये शिकवा नहीं है कि भाई मेरा इलाका रह गया या मुस्लिम इलाके में कहा हुआ है हिंदू इलाके में कहा हुआ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रसूलेख यही है कि जब मैं हुकूमत से बाहर हो गया हुकूमत के अंदर हो मेरे लिए सब शहर देहात हिंदू मुसलमान एक जैसे है और एक जैसा सुनौती करता है और इन पिछड़े हुए इलाकों के लिए जो सदियों से सैकड़ों से पिछड़े रहे हैं उनके महबूद के लिए काम करता बहुत काम हुआ है लेकिन अभी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा करना है ताकि ये नौजवान जो है हमारे इलाकों जम्मू कश्मीर के हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो या भदवा के हो पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन बेरोजगार है उनके लिए रोजगार का कुछ करना है यहाँ के टूरिज्म को फरोग देना है ताकि वो दोबारा से टूरिज्म को बढ़ाना है ताकि न सिर्फ गर्मियों में बल्कि सर्दी में जिस तरह से मैं सीएम था तो गर्मियों के लिए तो मैं टूरिज्म गार्डन बनाया उसको देखने के लिए और सर्दियों के लिए मैंने गुलमर्ग में उसको जो स्कीइंग है उसको शुरू किया। आज गुलमर्ग में सर्दियों में भी बराबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक सर्दियों में भी फरोग मिल सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मेरे आने का मकसद हुआ कि भदवा की डेवलपमेंट हमने चिनाब वैली की डेवलपमेंट लखनऊ सभा की डेवलपमेंट कश्मीर सभा की डेवलपमेंट और नौजवानों को लड़के को लड़के उनको आगे ले जाने के लिए और आध्यात्मिक काम को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए हमारे हमें किसी पार्टी से लड़ाई नहीं करनी है हमें एक सियासी लड़ाई है। हमने अल्लाह के फजल से और हिम्मत से बहुत काम किए हैं सिर्फ हमने उन कामों को लोगों तक पहुंचाना है चाहे वो कश्मीर के हमारे भाई बहने हों चाहे वो जम्मू सभा के हमारे भाई बहने हों या वो चनाब वैली के भाई बहन हों राजौरी पुंछ के हमारे भाई बहने और मैं मेरा दौरा अभी रहेगा चनाब वैली का जिला डोडा का भी जिला किश्तवाड़ का भी जिला रामपुर का भी तकरीबन 15-20 दिन का दो शिफ्टों में रहेगा पहला एक हफ्ता और फिर एक हफ्ता तो मेरे ख्याल में 29-30 से 2-3 तक है जिला डोडा वाला तो मुझे पूरी उम्मीद है
कि उसमें शहर और जहाँ हमारे शहर वालों से भी मिल रहे, जहाँ वालों से भी मिल रहे, तो बड़ी तादाद में। और मैं आरिफ साहब और दूसरे जावेद साहब और मोहनी साहब और गनाई साहब और दूसरे जो साहिबान से कहूँगा कि जो हमारे देहात की मीटिंग होगी तो उसको अगर उस हाल में रखेंगे जो मैंने बनाया तो उस शहर के अंदर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर के वो खाली होगा तो 300% वो आई होगी। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर से मैं बुजुर्ग को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे तुम्हारे साथ, आजाद साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ। टीपीएपी जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद, टीपीएपी जम्मू एंड कश्मीर जिंदाबाद। ये सबको साथ चलाते हैं, हमें पंचायत के भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमें टाउन एरिया के भी इलेक्शन लड़ते हैं, हमें दोनों जगह पंचायत में भी कामयाबी टाउन एरिया में। इसलिए आप और शायद के सभी बुजुर्गों बहनों और नौजवान बच्चों ने लड़के लड़कियों ने मिल के काम किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबको फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुदा हाफिज़। आजाद साहब का 2 मिनट की साइलेंस रख के फिर आगे प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। साइलेंस प्लीज। शुक्रिया। हमारी जो सिटी बॉडी जो डिक्लेयर हुई है और उसमें कुछ हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकार हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, मैं सबको अपने दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। हमारी पर्सनल लड़ाई कोई नहीं है, हमारी लड़ाई है तो अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, जो हमारी परेशानियां हैं, जो हमारे लोग जिन मसलों में उलझे हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं है। डीपीएपी का मिशन है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का मिशन है, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों के जो परेशानियां हैं हमें तो काफी टाइम लगेगा। मैं तहे दिल से पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूं जिसने मुझे इस लायक समझा, और मैं आजाद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने भी आजाद साहब हैं, हमारे चेयरमैन हैं, उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, कि उन्होंने मुझे एक ओहदा दिया, वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा दिया और मुझे जिम्मेवारियां फराहम की। ये इसलिए जोर इस चीज के लिए दिया गया था कि यहाँ का यूथ इस पार्टी के साथ जुड़ा रहे, ताकि हर एक की प्रॉब्लम्स, बिल्कुल हर एक जो मुसीबत में होता है उनकी आवाज वक्त पे उस उनकी आवाज नहीं पहुंच पाती। ये कमेटी इसीलिए तश्कील दी गई है ताकि हर एक की आवाज को सुना जाए। जम्मू कश्मीर चाहता है बदलाव, और वो बदलाव अगर कोई कर सकता है वो हमारे आजाद साहब ही कर सकते हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनका तरीका जो है काम करवाने का तरीका, अगर आप देखें आज तक, अगर आप देखें जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने बिल्कुल भी यहाँ पर अगर आप देखें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम किसी भी हुकूमत को यहाँ पर अप्रिशिएट करें। आज जिम्मेदारी डाली है इसलिए कि आजाद साहब ने बहुत कुछ यहाँ इस बदरवा के लिए किया है। ये हमारी जो जिम्मेदारी कंधों पर डाली गई है, हमारी ये एक कोशिश होनी चाहिए कि हमने सबसे सबने मिल के आजाद साहब के लिए इतना काम करना है कि आजाद साहब को हमारे बदरवा में लाना है, और उनके आने से ही हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जितनी भी मुश्किलें हैं, हम जहाँ जहाँ भी इस वक्त मुश्किल में पड़े हुए हैं, आजाद साहब हमें निकाल सकते हैं। बाकी कोई ऐसी ताकत बदरवा में हमने नहीं देखी। ये एक सुनहरी मौका हमारे सामने आया है जिसका हमने अपने दिमाग और दिल से इसका फायदा उठाना है कि हम दिन रात मेहनत से, दिलो जान से पार्टी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। उस दुनिया को पता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक सब, इसलिए मैं टाउन की बात कर रहा हूँ।
वो उनके साथ जो अभी नई तश्कील दी गई है ये कमेटी सिटी की, और जो भी कैंडिडेट हमने खड़ा किया उसके साथ कम से कम 20 जो उसके वार्ड में होंगे 20 जवान या 20 आदमी होंगे, महिला होंगी, क्या कहते हैं मर्द होंगे, उनको ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब को लेटर भेजेंगे। तो हजार साहब ने आप लोग के लिए 30 तारीख 2 बजे टी की ट्रीट रखी, ट्रीट बता आपको। भद्रवा टाउन कमेटी बनाई गई है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ आप तालियों से उनको नवाजें। भद्रवा टाउन कमेटी के जो प्रेसिडेंट है वो मुश्ताक अहमद शेख उर्फ चुन्ना है, उनको मुबारकबाद। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित गुप्ता वासन टेरा से है, इनको भी मुबारकबाद। वाइस प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान साहब हैं, इनको मुबारकबाद। सतीश कुमार वाइस प्रेसिडेंट हवेली महला से है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। नासिर पांडे मोहला सराफा से हैं, वो भी वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और हमारी टाउन कमेटी के जो कैशियर हैं वो शाहिद हुसैन सुल्तानपुरा से हैं, उनको भी मुबारकबाद। और जनरल सेक्रेटरी तनवीर अहमद थड़ा मोहला से हैं, इनको भी मुबारकबाद। सेक्रेटरी सुरेंद्र कोतवाल जी, आसिफ हमीद ठोकर किला मोहला, शाहिद हुसैन सुल्तानपुरा, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारी जो यूथ कमेटी भद्रवा चुनी गई है उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो असरार साहब डाक, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुजफ्फर खान चिनारपुरा से है, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स 3 हैं हमारे पास यूथ कमेटी भद्रवा के, जिसमें तनवीर गनाई हैं, नवीन शरीफ गनाई, यासर एजाज शाबू, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जनरल सेक्रेटरी 2 हैं यूथ कमेटी के, आमिर इकबाल चिनार मोहला से और साजिद नजार मोहला मस्जिद से, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेक्रेटरी उस्मान नजार पासरी बस स्टैंड से, मोहम्मद अयूब सुल्तानपुरा से और पब्लिसिटी सेक्रेटरी अदनान इश्तियाक मोहला सराफा से, इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये थी हमारी ये यूथ कमेटी और सिटी कमेटी भद्रवा। अब कुछ सीनियर लोग जो इंक्लूड किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट बॉडी में और जोनल बॉडी में, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिनमें हंसराज कोतवाल जी है चिंता से, जिनको वाइस प्रेसिडेंट चिनाब वैली जोन क्या बनाया गया है, इनको मुबारकबाद। अब्दुल हफीज मुगल साहब भद्रवा से, इनको भी वाइस प्रेसिडेंट चिनाब वैली जोन का बनाया गया है, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, इनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं, इनको भी जोन कमेटी में एडजस्ट किया गया है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मैडम निगत चौधरी जो भद्रवा से हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है। और मोहम्मद शफी गनाई जो हमारे काफी सीनियर लीडर हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी में बनाया गया है, इनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। रोशन लाल जी भगत जो द्रुटू से हैं, उनको वाइस प्रेसिडेंट एससी सेल डिस्ट्रिक्ट डोडा बनाया गया है। शौकत साहब मीर सारना से जो सरपंच भी है, इनको जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में एडजस्ट किया गया है। इनके साथ साथ जफरुल्ला साहब खान जो सारना से रिटायर्ड टीचर, इनको सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी में एडजस्ट किया गया है। राजेंद्र मनहास जी
जो खिलैनी से हैं, एक सरपंच भी है, इनको वर्किंग प्रेसिडेंट ब्लॉक बाला में एडजस्ट किया गया है। इन सबको मेरी पार्टी की तरफ से, हाँ, एक नाम जो मैडम कमलेशा जी हैं, जो मिश्रठा गठी मोड़ से हैं, इनको भद्रवा ब्लॉक महिला विंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। इन सबको मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जवेद साहब आजाद की तरफ से, शौकत साहब की तरफ से, हफीज साहब मुगल की तरफ से, जफरुल्ला साहब की तरफ से, सामरी साहब की तरफ से, गनाई साहब की तरफ से, जाफर साहब की तरफ से, शाह साहब की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, आजाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बोगरा भाई साहब, 24 बोगरा भाई, जोर जोड़ी मत। अच्छा।